हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आज मेयर जोगेंद्र रोतेला का विरोध किया। इस दौरान हड़ताली साफ सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साफ सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये मानोदय दिया जाना चाहिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम ने यह व्यवस्था लागू नहीं की है। मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। कर्मचारी के प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में जाम भी लगा है, जिसे खुलवाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वही कर्मचारियों का कहना है जब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानोदय नहीं दिया जाता तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। वही इस पूरे मामले में किसने क्या कहा, अब पूरी सुनिए। नीति क्या है, ये कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए। और 15,000 जायज मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। और देखिए, नगर निगम के पास मेरे हिसाब से कोई पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है मेयर साहब को, वो पालन नहीं कर रहे हैं। वो सब जगह, हर जगह जहाँ जितने भी नगर निगम है उनमें सब में वेतन मिल गया है, 15,000 रुपये सबके मिल गए। लेकिन एक हल्द्वानी है, उत्तराखंड है, जहाँ पर कोई भी नियम लागू नहीं किया उन्होंने। या तो बोलते नहीं कि हम इतना पैसा देंगे, अगर बोल के गए हैं तो इनसे मुख्यमंत्री जी का आदेश तो पूरा करें। मांगी नहीं है ना, हमारी कोई मांग नहीं है। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपये की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है, तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं। नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है, कुछ मांगे हैं पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे का इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो अल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने का